टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर की स्वाट टीम और खुर्जा पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के एक महिला समेत 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने लुटेरों से लूटे गए चांदी के आभूषण और 2 तमंचे, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों को जेल भेज दिया है। दरअसल बीती 13 तारीख को खुर्जा हाईवे पर एक एजेंट से तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित की शिकायत के अनुसार जब वो मेरठ से अलीगढ़ आभूषण की सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी खुर्जा बाईपास पर कुछ लुटेरों ने तमंचे के बल पर पीड़ित को रोका और पीड़ित से I-20 कार और चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की छानबीन शुरू कर दी। बीते 29 तारीख को पीड़ित की कार खुर्जा के गांव मोहा खेड़ा के जंगल से लावारिस हालत में बरामद की गई थी, जबकि आज तड़के पुलिस को सूचना मिली कि लुटेरों ने लूटे हुए माल का बंटवारा करने के लिए खुर्जा क्षेत्र के गांव भादवा में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और स्वाट टीम ने लुटेरों की घेराबंदी कर एक महिला समेत गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए, जैसा कि आप विदित होंगे, 13 जुलाई को मेरठ के एक सर्राफा व्यापारी थे, हाईवे से गुजरते समय उनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें उनकी I-20 कार और कुछ ज्वेलरी जो उनके पास थी उसको लूट लिया गया था। इसमें 13-7 की घटना थी। 29-8 को उनकी गाड़ी बरामद कर ली गई थी जो उनके सुपुर्द कर दी गई है। इस घटना के अनावरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी में हमारे जनपद की स्वाट टीम और थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना खुर्जा नगर की टीम लगातार प्रयासरत थी। आज सुबह इस टीम ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया। 7 अभियुक्तों में 6 पुरुष और 1 महिला हैं और घटना में लूटा गया काफ़ी सामान, काफ़ी ज्वेलरी इनके पास से बरामद हुई है। कुछ शस्त्र भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त बुलंदशहर के भी हैं और अन्य जनपद के निवासी भी हैं। प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और बरामदगी का विवरण आपको अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। घटना में सर महिला की क्या भूमिका रहती है? महिला का जो अभी तक प्रकाश में आया वो यह है कि मुख्यतः जो ज्वेलरी लूटते थे उसको इधर उधर बेचने का काम करती थी ताकि लोगों को शक ना हो। महिला को इसलिए ये गिरोह इस्तेमाल करता था कि लूटे गए सामान को आसानी से बेच सके। जबकि पुलिस ने आरोपियों से 2 तमंचे में जिंदा कारतूस और लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों के गैंग को जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।